आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सपा के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय इज्जत यादव की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि में उपस्थित पूर्व मंत्री नफीस अहमद और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व एमएलसी कमला यादव सहित कई बड़े नेता उपस्थित रहे। लोगों ने स्वर्गीय इज्जत यादव जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और लोगों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वर्गीय दत्त यादव जी की छवि एक बड़े नेता में की जाती थी। ये दो बार सांसद रह चुके हैं और लालगंज से भी चुनाव लड़ चुके थे। ये मुलायम सिंह के बहुत ही करीबी नेता माने जाते थे। इनका निधन आकस्मिक हुआ है, जिसे समाजवादी के संस्थापक के रूप में माने जाते थे। उन्होंने अपने क्षेत्रों में गरीब असहाय लोगों की मदद की, जिसकी वजह से क्षेत्र में उनको जाना जाता था। 1977 में वह लालगंज से विधायक रहे और दो बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे। आज उनके पुण्यतिथि पर जो लोग भी उपस्थित उनके साथ रहे और उनको जानते थे और लोग भी आज मीटिंग में उपस्थित थे और श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको मालूम होगा कि स्वर्गीय इज्जत यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और लगातार उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में समाज का जो कमज़ोर तबका रहा उसके लिए वह संघर्ष करते रहे और यही कारण रहा कि जब देश के अंदर 1975 में उस समय की जो सरकार थी उसने जब देश में आपातकाल की घोषणा किया तो उसमें जो सबसे पहली गिरफ्तारी 7-8 लोगों की हुई थी उसमें स्वर्गीय इज्जत यादव थे। उन्होंने कभी जो उनके सिद्धांत थे और जो उनका रास्ता था उससे उन्होंने कभी समझौता करने का काम नहीं किया और हमेशा समाज के कमज़ोर तबके के लिए संघर्ष करते रहे। मैं बहुत लंबी बात आपसे नहीं करना चाहता। वह जीवन भर आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे और जो भी दल रहा हो उसके लिए उन्होंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ नेताजी के साथ काम करने का काम किया। वह देश की सर्वोच्च पंचायत राज्यसभा के दो बार सदस्य रहे। 1977 में वह लालगंज से विधानसभा के भी सदस्य रहे और दुर्भाग्य से हम लोगों का भी दुर्भाग्य रहा और समाजवादी पार्टी का भी दुर्भाग्य रहा कि 19 सितंबर 1999 को अचानक उनका निधन हो गया। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।